सवाल जवाब की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है उनका। तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक महिला का है कि सर मैंने बहुत फिंगरिंग की है तो क्या मेरी वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है? मैंने अभी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है तो क्या अब मैं किसी के साथ फिजिकल होंगी तो ब्लडिंग होगी या नहीं? प्लीज आंसर। तो यदि आपने फिंगरिंग बहुत करी है, अब यदि फिंगरिंग के समय आपके कभी ब्लड आया है तो आपकी वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है, तो ब्लड नहीं आएगा दोबारा से। और यदि फिंगरिंग सिर्फ आउटर ऑफ वजाइना में करी है, बार बार से करी है, स्टिमुलेशन किया है, या क्लाइटोरिस जो एक औरत का वजाइना होता है उसके ऊपर एक चने जैसा स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस, उस पे करी है, तो भी आपकी वर्जिनिटी लॉस्ट नहीं हुई है। अभी आपने वजाइना की फिंगरिंग कितनी डीपली करी है और उस इन दरमियान जब आपने कई फिंगरिंग करी थी तो यदि उस वक्त कभी ब्लडिंग एपिसोड हुआ है तो आप उसको याद करें, और यदि उस वक्त हुआ है तो इसका मतलब आपने वर्जिनिटी लॉस्ट कर ली है। पर आज की जो जनरेशन है, आज की जो दुनिया है, ये वर्जिनिटी जो टेस्ट है ये पुराने जमाने का थॉट प्रोसेस है। जब लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में हो जाती थी कि जैसे ही उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होते थे उसके कुछ समय बाद पेरेंट्स उनकी शादी कर देते थे, तो वो कॉन्सेप्ट उस जमाने का है। आज की तारीख के अंदर मोस्ट ऑफ फीमेल्स का वर्जिनिटी लूज हो चुका होता है। उसका रीजन सेक्स नहीं है कि उन्होंने सेक्स किया है किसी के साथ, उसका रीजन जो है वो लाइफ स्टाइल के अंदर जो चेंजेज आए हैं। मतलब पहले 16 साल की उम्र में शादी होती थी, अब 26 साल की उम्र में शादी हो रही है, 30 साल की उम्र में शादी हो रही है। प्लस लड़की साइकिल चला रही है, लड़की फुटबॉल खेल रही है, लड़की पुशअप्स मार रही है, लड़की अच्छी खासी फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है, बाइक चला रही है, कार चला रही है। मतलब वो इतना ज्यादा अपने पेल्विक एरिया और वजाइनल एरिया का स्ट्रेस ले लेती, स्ट्रेस दे देती है उसको, उतना स्ट्रांग कर लेती कि उनकी कब की ही वो वर्जिनिटी लूज हो चुकी होती है। तो ये जो दिमाग के अंदर एक कीड़ा होता है आदमी के कि जब मैं सेक्स करूं तो मेरी लुगाई के ब्लड आए, ये कीड़ा मेरे हिसाब से अभी खत्म हो चुका है सभी लोगों के, सभी पुरुषों के भी हो चुका है, क्योंकि जो भी एजुकेटेड आदमी है उसको ये पता है कि वर्जिनिटी जो एक पतली सी झिल्ली होती है वजाइना के अंदर, वो वैसे ही स्पोर्ट्स खेलते समय, साइकिल चलाते समय और कई बार बिना कुछ करते ही वैसे ही टूट जाती है। तो आपका परिवेश क्या है, आप किस जगह रहते हो और आप क्या करते हो, इन चीजों के ऊपर ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो पार्टनर है वो इस चीज को किस तरीके से लेगा। कि उसके ब्लडिंग नहीं हुई है तो वो ये सोचेगा कि इसका पहले किसी के साथ चक्कर था। तो ऐसे आपको अपना जो पार्टनर है उसके साथ बड़े सिंपली बात बोलना है, मैं फिंगरिंग करती थी, और फिंगरिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। आप कॉलेज लाइफ के अंदर हो, सेक्सुअल फैंटेसी आपके अंदर आती है, तो आप अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज का कहाँ समाधान करोगे? आप या तो किसी, या तो आपके पास कोई पार्टनर हो, यदि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो जो सबसे बेस्ट और सेफ वे है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, सेक्सुअली भी और एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी, कि आप अपने आप को फिंगरिंग कर लेते हो, सेल्फ स्टिमुलेशन कर लेते हो। यदि आपने बहुत ज्यादा कर लिया है तो आप अभी चिंता मत कीजिए, इस चीज को छोड़ दीजिए, अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, उसको समझाइए, और आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने फिंगरिंग कर ली है तो मेरे ब्लड आएगा नहीं। उसको बोलना कि यार फिंगरिंग कर ली है और ब्लड आए तो तेरी किस्मत, नहीं आए तो तेरी किस्मत। जस्ट रिलैक्स।